न्यूज़ से इजाज़ पठान से। और आज हम जो मक्पन साहब हैं उनके जो पहले रह चुके हैं आज उन्हीं के पास आए हैं हम दोबारा, और उनसे जाने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या विकास किया, क्या जनता प्रतिक्रिया रखा है। और इसी के साथ हम आगे बातचीत भी रखेंगे। हम आए हैं अभी लुकुया गाँव दाढ़ा पंचायत से जो बिलोंग करता है, और वो वहीं दाढ़ा पंचायत से ही मुखिया के तौर पर जो खड़े हुए हैं कैंडिडेट, आइए हम उनसे जाने की कोशिश करेंगे। मैं सरजूराम जी, और पिछले बार भी हमारी पत्नी सावित्री देवी चुनाव जीती थी पंचायत समिति सदस्य, इस बार भी कैंडिडेट है। और जनता लोगों ने सब अपने मत दे करके जिताने का प्रयास किया है, और पूरी ताकत के साथ में। और इस बार जो भी कुछ होगा शिकवा शिकायत वैसा कुछ नहीं है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चाहे जिस किसी को भी इंदिरावास नहीं मिला होगा इंदिरावास दिलाने काम करेंगे, वृद्धा पेंशन जिसको नहीं मिला होगा वृद्धा पेंशन दिलाने काम करेंगे, विकलांग पेंशन नहीं होगा विकलांग पेंशन दिलाने काम करेंगे, और जितना पुल पुलिया जहाँ भी छूटा हुआ है उसको सब जगह हम चिन्हित करके काम करने का काम करेंगे। साथ ही साथ पहले भी आप सरपंच के कुर्सी पर रह चुके हैं सर, इससे पहले भी? हाँ, मैं पहले बार भी भारी मत से जनता जिताई थी, सब लोग जिताए थे। सर आपने ऐसा क्या विशेष प्रोग्रेस किया है सर यहाँ पे? जनता के लिए दिन रात हमने मेहनत किया, और जहाँ जितना भी कार्यक्रम में जहाँ भी हमको बुलाया गया हर जगह हम ऐसे हम लोग का जैसे कोई फंड नहीं था ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ा जब भी ज़रूरत पड़ा जनता के बीच में हम लोग हमेशा हाजिर रहे। चलिए, आपका शुभ नाम? पंचायत समिति शरण देवी। आपको मेरा स्वागत है अब मेरे चैनल में INN24 न्यूज़ में। भारी मेहनत तो आप पिछले बार चुनाव में हम जीते थे, और चाह रहे हैं कि पूरा भारी प्रमोशन जीतेंगे तो कुछ प्रयास करके मैंने पंचायत में कुछ कर सकते हैं। पहले भी आप सरपंच के तौर पर रह चुके हैं? हाँ, पहले दो बार तो चुनाव में जीत चुके हैं। दो बार आप जीत चुके हैं? दो बार जीत चुके हैं। चलिए, आप जनता से जानना चाहते हैं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रमसाहे मांझी। आप कहाँ से हैं? बाका से हैं। मुखिया जी, पहले ये जो सरपंच साहब रह चुके थे आपके यहाँ, क्या विकास किए हैं? विकास अच्छा से किए हैं। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं? धनी मांझी। धनी मांझी।